अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद इस्माइल आज आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, खुसूसन पाकिस्तान की अगर बात करें, यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत मसाइल हैं। ओवरऑल तो सिक्योरिटी के मसाइल होते ही हैं, बॉर्डर पे लड़ाई झगड़े ये चीज़ें छोटी मोटी हमारे मुल्क के साथ होती रहती हैं, फिर दहशतगर्दी। लेकिन जो इन हाउस सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, कॉलोनियों के अंदर, किसी भी शहर में आप चले जाएं, पंजाब के, सिंध के, हर शहर के अंदर रोज़ाना 100 से ज़्यादा सिर्फ डकैती की वारदातें होती हैं, चोरियाँ होती हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कामयाब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़ोर दिया। अगर मैं मिसाल लूँ DHA की, बैरियर टाउन की, और जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अस्करी हो गया, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़ोर दे रहे हैं। लेकिन इन तमाम सिक्योरिटी के जो वो हैं उसमें फिर भी फ्लॉज रह जाते हैं छोटे मोटे, क्योंकि वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ होती हैं जिसमें अक्सर लोग उस तरह ट्रेंड नहीं होते। लेकिन आज जो मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ वो कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के हवाले से है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपनी सिक्योरिटी के तमाम तर जो खिदमात हैं वो पंजाब रेंजर्स के हवाले कर दिए। जितनी भी कैपिटल स्मार्ट सिटी के सिक्योरिटी के एलिमेंट्स हैं उसको पंजाब रेंजर्स देखेगा। इससे इस इलाके के अंदर, इस खत्ते के अंदर अमन, पीस, इस चीज़ को बरकरार रखा जाएगा। ओवरऑल जितनी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फिर भी सिक्योरिटी अच्छी होने के बायस फिर भी थोड़ी बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि पंजाब रेंजर्स एक बहुत ट्रेंड और वेल नोन सिक्योरिटी अदारा है, तो हम समझते हैं कि ये स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के लिए एक खुशनसीबी है। स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की एक बड़ी अचीवमेंट है कि एक बेहतरीन किस्म की सिक्योरिटी, जो पाकिस्तान के एक नंबर सिक्योरिटी अदारा है पंजाब रेंजर्स, उनको सिक्योरिटी का वो ड्यूटी दे दी गई है। उसमें जो सिक्योरिटी है, एक तो ये है कि जो बाउंड्रीज हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की उसकी भी सिक्योरिटी पंजाब रेंजर्स करेगी, जो मटेरियल यूज़ हो रहा है कंस्ट्रक्शन में उसकी भी सिक्योरिटी, जो मशीनरी है 400-500 से 600-700 बड़ी हैवी इक्विपमेंट मशीनरी हैं उसकी भी सिक्योरिटी का ये ड्यूटी सर अंजाम देंगे। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए हैं, आपके आपके बच्चों के, आपके जो वेल्थ है, आपके जो असासे हैं, आपकी कीमती चीज़ें हैं, आपके घर है, आपकी गाड़ियाँ हैं, इन तमाम की सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने पंजाब रेंजर्स के साथ उसका मुआहदा किया। और मैं समझता हूँ कि ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक बड़ी अचीवमेंट है। और इससे एक और चीज़ जो बड़ी बड़ी साबित हो रही है वो ये हो रही है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है, वो मामूली सा प्रोजेक्ट नहीं है। और इससे ये चीज़ भी साबित होती है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी एक ऑथेंटिक और मुस्तनद प्रोजेक्ट है। अदरवाइज़ पाकिस्तानी सिक्योरिटी का एक मोतबर अदारा कभी भी किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट को जाके सिक्योरिटी देने की हामी नहीं भरता। लेकिन जैसे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, कोई दो नंबरी नहीं है, कोई नौसरबाजी नहीं है, और जिस लेवल के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस लेवल पे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, तो इसी वजह से ये ड्यूटी और ये काम पंजाब रेंजर्स को दी गई है। इसके ऊपर मैं स्पेशली जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और तमाम जो लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी के इसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ अब आपकी जो जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, तमाम की इंशाल्लाह सिक्योरिटी की जाएगी। और कैपिटल स्मार्ट सिटी वैसे भी रियल स्टेट के अंदर जिस तरह एक भरपा किया उन्होंने, यहाँ पे एक डिमांड और जिस लेवल पे यहाँ पे काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बेहतरीन। दूसरा, रिसेंटली इटली कैपिटल स्मार्ट सिटी की टीम गई और जिसको हेड कर रहे थे GM सेल्स मुजीब साहब, इटली के अंदर जो स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का ESA के साथ इन्होंने ठेका किया है, वो एक बड़ा ज़बरदस्त वो है। वो ऐसा नहीं है कि वो चलते फिरते एक ट्रक आएगा और दो बंदे उठा के उसमें डंप करेंगे। वो एक स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। उस एक सेटअप का जो खर्चा है एक सेक्टर का, वो 10 करोड़ रुपया। अगली मैं वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कितना खर्चा करने जा रहा है। आप बड़े बड़े शहरों का उतना खर्चा नहीं है वेस्ट मैनेजमेंट का जितना स्मार्ट सिटी कर रही है। ऐसा नहीं है कि वैसे तो 1 करोड़ रुपया करके हम बाल्टियाँ शाल्टियाँ रख देते कचरे की, 2-3 बंदे रख देते उसमें गन डालते सुजुकियों में और खचरों पे लेके जाते, लेकिन स्मार्ट सिटी ने जो अपना नाम है स्मार्ट और स्मार्ट टेक्नोलॉजी और स्मार्ट जो फीचर्स हैं उसको लेके आने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी में जो सबसे मेन
ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। सिक्योरिटी का जो वो था वो भी आपके साथ वादा किया गया था कि अच्छी सिक्योरिटी का, वो वैसे लोगों को बहुत कंसर्न था कि उस इलाके में जी वहाँ पे आबादी ज़्यादा नहीं है तो सिक्योरिटी हम ये, तो इंशाल्लाह स्मार्ट सिटी इस चीज़ को कंप्लीट वो बनाएगी कि आपकी जो हिफाजत है उसको अवलीन तरजीह के ऊपर काम किया जाएगा। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए आप प्रॉपर्टी नामा के सर्विसेज ले सकते हैं, ऑथराइज सेल्स पार्टनर है। और इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के लिए और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमारी टीम से रब्ता करें और आएँ, हम आपको प्रोजेक्ट विजिट कराते हैं। पहले आप देखें, फिर बात करें और फिर आप फैसला करें। बगैर देखे आप कुछ नहीं कर सकते, आप बाहर बैठे बगैर देखे कोई फैसला नहीं कर सकते प्रॉपर्टी लेते हुए। इसलिए आप आए एकदम स्मार्ट सिटी की साइट विजिट करें। जब आप 600-700 मशीनरी काम करते हुए देखेंगे और सिर्फ डीजल का धुआं उड़ता देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि ये प्रोजेक्ट को बड़ा प्रोजेक्ट है। 56,000 कनाल पे इस खत्ते का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस टाइम काम कर रहा है। ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी 56,000 कनाल ही, ये ज़मीन खरीदी जा चुकी है जिसके ऊपर राइट नाउ डेवलपमेंट हो रही है। तो ये एक ओवरऑल आज का वो था। और जिस तरह हम हमारे एक रट्टा हुआ कलाम है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो आप लाइक करें वीडियोस हमारी और सब्सक्राइब करें चैनल को। आप सबके शुक्रिया कि आपने हमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी चैनल को बरकरार रखने में आप हमें हमारा साथ दे रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।